मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कट ऑफ का डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा। मैंने पहले जो कट ऑफ प्रिडिक्ट की थी वो इनिशियल कट ऑफ प्रिडिक्ट की थी, और अभी ये एक बहुत बड़े सर्वे के बाद में मैं जो कट ऑफ प्रिडिक्ट करने जा रहा हूं। आप जानते हैं शिक्षा नगरी कोटा के बाद राजस्थान में सीकर का दूसरा नंबर है, तो मैं सीकर के हरेक कोचिंग में जाकर वहां के स्टूडेंट से, टीचर से, डायरेक्टर से, वहां से मिलके मैंने ये पूरा का पूरा सर्वे किया है। एक किस स्टूडेंट ने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, स्टूडेंट से मिलके क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस किया है, उनसे ये क्वेश्चन पूछे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किए हैं, किस प्रकार की उनको प्रॉब्लम आई है। तो ये पूरा सर्वे करने के बाद में मैं यहाँ पर जो कट ऑफ प्रेडिक्ट करने जा रहा हूँ वो एक बहुत बड़े सर्वे के बाद है। मैं आपको बता दूं कि जो बाकी सारे कोचिंग से अपने कट ऑफ प्रेडिक्ट करते हैं उनके पास में अपने इंडिविजुअल स्टूडेंट होते हैं, लेकिन यहां तो सभी कोचिंग्स के मिक्स स्टूडेंट्स का सर्वे है। मैं सोचता हूं ये सर्वे बहुत बड़ा सर्वे है, ऐसा सर्वे किसी ने किया भी नहीं होगा। तो ये कट ऑफ जो मैं प्रेडिक्ट करने जा रहा हूं, मैं सोच रहा हूं ये एक्यूरेट जाने की संभावना है। अब इसमें जो कट ऑफ मैंने प्रेडिक्ट की है, इसमें मैंने 50% वाला कोई रखा नहीं है। जो 50% प्राइवेट की सीटें गवर्नमेंट में होने वाली हैं, उसका मैं इसके जस्ट बाद एक वीडियो लेके आऊंगा कि वो उसकी कितनी संभावना है, अगर वो होती है तो कट ऑफ कितनी जाएगी। ये मैं वैसे नॉर्मली कट ऑफ आपको बता रहा हूं, और ये कट ऑफ मैंने अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, ईजी कितने क्वेश्चन थे, मॉडरेट कितने थे, टफ कितने क्वेश्चन थे, उसमें नेगेटिव कितने किए होंगे, बोनस मार्क्स, ये सारा का सारा कैलकुलेशन मैंने इसमें रखा है। उसी के अकॉर्डिंग मैं ये कट ऑफ प्रेडिक्ट करने जा रहा हूं। सबसे बड़ी खुशी की बात है, मैंने जो पहले इनिशियली कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी उससे ये काफी लो जाएगी, तो ये स्टूडेंट के लिए काफी अच्छी खुशखबरी है कि इस बार कट ऑफ लो जाने की पॉसिबिलिटी है। कितना लो जाएगी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए एक बार देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज कितने कितने स्टूडेंट ने कितने मार्क्स के गेन किए होंगे और क्या कट ऑफ रह सकती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके बारे में मैंने बुक लिख दी है, ऑल इंडिया कोटा स्टेट आयुष वेटनरी की, तीनों अलग अलग बुक हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें मैंने जो आप जानकारी चाहते हैं वो सारी की सारी दे दी है। कट ऑफ दे दी, सीट मैट्रिक्स, फीस स्ट्रक्चर, बॉन्ड के बारे में जानकारी, टॉप से लोएस्ट के बारे में बता दिया है, कौन सी कॉलेज टॉप है, इवन डिम्ड की पूरी फीस वगैरह, कट ऑफ वगैरह, प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ रही थी, कौन सी डिम्ड कहां पर सिचुएटेड है उसके बारे में, स्टेट में पूरी प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस, ओपन कोटा की जो कॉलेजेस हैं उसके बारे में पूरी जानकारी मैंने इस बुक में दे दी है। इसको आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in, या फिर हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां से भी आप चोपड़ा एजुकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं सोचता हूं ये बुक आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो जैसे ही बुक डाउनलोड करेंगे मैं जो आप फोन नंबर देंगे उस पर कॉन्टेक्ट कर लूंगा आपसे। आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। तो आइए बात करते हैं वीडियो की। अभी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और मैंने सभी कोचिंग्स के, सीकर के तकरीबन कोचिंग्स के स्टूडेंट से मिलकर जो डाटा तैयार किया है, एनालिसिस तैयार किया है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। फिजिक्स की बात करते हैं पहले, तो फिजिक्स में 27 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इजी थे। इस बार जो फिजिक्स में क्वेश्चन थे इजी थे 27। इसके बाद में 13 क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट थे। ये जो मॉडरेट और इजी क्वेश्चन थे, ये सिलेक्शन रेंज वाला हर एक बच्चा इनको सही कर लेता है। टफ क्वेश्चन की बात करें तो 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो टफ थे फिजिक्स में, 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो फिजिक्स में टफ थे। अब बात करें हम केमिस्ट्री का, जैसा है कि आपको पता है केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा सा इस बार टफ था, तो 23 क्वेश्चन इसमें इजी थे। जैसे स्टूडेंट का रिव्यू आया है, उनका रिएक्शन आया है, उसके अकॉर्डिंग 23 क्वेश्चन इजी रेंज में लिए गए हैं। 14 क्वेश्चन मॉडरेट हैं, और इसमें 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो टफ हैं, उनको यानी कि हर एक बच्चा नहीं कर पाया है। इसके बाद बायोलॉजी की बात करें तो 32 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी थे। पिछली बार काफी सारे क्वेश्चन इजी थे, लेकिन इस बार मॉडरेट ज्यादा थे। इसमें 49 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मॉडरेट हैं, 49 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मॉडरेट हैं, और इसमें 8 क्वेश्चन इसमें भी ऐसे हैं जो टफ हैं। तो ये बायोलॉजी की सिचुएशन हो गई।
फिजिक्स में 27 है, इसमें 13 है और इसमें 4 है। अभी ये टोटल अगर हम इनका देखें तो 44 हो रहा है, होना चाहिए 45। तो मैंने एक क्वेश्चन बोनस वाला इसमें कंसीडर नहीं किया है, वो बोनस का क्वेश्चन हम लास्ट में कंसीडर करेंगे। इसको जब हम इनका टोटल करते हैं तो देखो ये जो टफ क्वेश्चन है इसको हम नहीं लेंगे। इसको इसलिए नहीं लेंगे कि सिलेक्शन रेंज वाला स्टूडेंट इनको नहीं अटेम्प्ट कर पाता है। तो जब इनको हम लेते हैं तो इनका टोटल हो जाता है 40। यानी फिजिक्स में 40 क्वेश्चन ऐसे थे जो सिलेक्शन रेंज वाले कैंडिडेट ने किए हैं, जिनके कोचिंग्स में अच्छे मार्क्स आ रहे थे, टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स आ रहे थे, उन बच्चों ने फिजिक्स में 40 क्वेश्चन किए हैं आउट ऑफ 45। अब केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में मॉडरेट और इजी को मिला के 37 क्वेश्चन है ऐसे जो सिलेक्शन रेंज वाले स्टूडेंट ने सही किए हैं, 37 क्वेश्चन सही किए हैं। बायो की अगर हम बात करें तो 81 क्वेश्चन, पिछली बार ये काफी ज्यादा थे, 81 क्वेश्चन सिलेक्शन रेंज वाले स्टूडेंट ने किए हैं। इसमें भी मैंने एक बोनस मार्क्स वाला नहीं जोड़ा है, केमिस्ट्री के बोनस मार्क्स वाला क्वेश्चन मैंने यहां जोड़ लिया है, क्योंकि केमिस्ट्री का जो था बोनस मार्क्स वाला वो सेक्शन बी में था और वो मैं ये मानता हूं कि किसी स्टूडेंट ने नहीं किया होगा, क्योंकि उसका आंसर ही मैच नहीं हो रहा था। तो आंसर मैच नहीं हुआ तो स्टूडेंट ने किया नहीं होगा, तो स्टूडेंट ने किया नहीं तो उसको बोनस मार्क्स नहीं मिलेगा। तो मैं यहां दो के ही बोनस मार्क्स जोड़ रहा हूं। तो ये हमारे पास जब हम देख रहे हैं तो टोटल आ जाता है हमारे पास में 158। यानी कि 158 क्वेश्चन ऐसे थे जो सिलेक्शन रेंज वाले स्टूडेंट ने सही किए हैं, 158 क्वेश्चन। अब इसमें देखो हर स्टूडेंट के नेगेटिव क्वेश्चन होते हैं, हर एक स्टूडेंट के क्वेश्चन नेगेटिव होते हैं और नेगेटिव मार्किंग है तो उनके क्वेश्चन नेगेटिव जाएंगे ही जाएंगे। तो उसका भी एवरेज लिया है कि एक सिलेक्शन रेंज वाला स्टूडेंट कितनी नेगेटिव कर सकता है। तो अगर हम फिजिक्स की बात करें तो 3 नेगेटिव हो सकते हैं इस बार के लिए स्टूडेंट के पास, केमिस्ट्री की बात करें तो 4 नेगेटिव हो सकते हैं और बायोलॉजी की बात करें तो 5 नेगेटिव हो सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि ऐसा मैंने एवरेज निकाला है कोचिंग से तकरीबन स्टूडेंट से। तो जब हम इनका टोटल करते हैं तो हम ये मानते हैं कि सिलेक्शन रेंज वाले स्टूडेंट ने 12 जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव कर दिए होंगे, वो क्वेश्चन नेगेटिव कर दिए होंगे। अब हम यहां एक्यूरेट की बात करते हैं, यहां पर हम एक्यूरेट की बात करते हैं तो एक्यूरेट इसमें मैं यहां 40 में से 3 निकाल देता हूं तो 37 क्वेश्चन एक्यूरेट किए हैं फिजिक्स में स्टूडेंट ने, इसके बाद में 33 किए हैं केमिस्ट्री में और 76 रह गए बायो में, ये नेगेटिव निकालने के बाद में है, ये सारे के सारे नेगेटिव निकालने के बाद में है। अब जब हम इसका जैसे 158 थे उसमें हम ये नेगेटिव माइनस कर देते हैं, 12 हम माइनस कर देते हैं तो ये रह जाते हैं आपके 146, हमने नेगेटिव माइनस निकाल दिए तो 146 क्वेश्चंस स्टूडेंट ने किए होंगे एक्यूरेट, यानी कि जो सिलेक्शन रेंज वाला स्टूडेंट है 146 क्वेश्चन किए होंगे। अब इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो बोनस जा रहे हैं, एनटीए उनको अगर बोनस करार करता है तो 4 मार्क्स से सभी स्टूडेंट को मिलेंगे तो 2 क्वेश्चन के 8 मार्क्स हो गए। फिजिक्स का क्वेश्चन है जो मैंने इसमें कंसीडर नहीं किया था और बायोलॉजी का क्वेश्चन है जो मैंने इसमें कंसीडर नहीं किया था, केमिस्ट्री का क्वेश्चन मैंने इसमें कंसीडर कर लिया है। तो इसमें हम 146 में 2 क्वेश्चन और जोड़ देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 146 प्लस 2 148 क्वेश्चन, ये सिलेक्शन रेंज के स्टूडेंट के क्वेश्चन हैं। अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्कोर बैठ जाता है आपका 592 स्कोर आ जाता है। ये है कट ऑफ, लेकिन ये कौन सी कट ऑफ है, ये वो कट ऑफ है कि अगर पिछले साल जितने स्टूडेंट इसमें बैठे थे वो उतना स्कोर करते 592, लेकिन अब इसके ऊपर और फैक्टर्स लगते हैं, इस कट ऑफ के ऊपर और फैक्टर्स लगते हैं, वो आप जानते हैं। क्वेश्चन पेपर का फैक्टर तो यहां लग गया, अगर ओनली क्वेश्चन पेपर का ही फैक्टर लगता है तो कट ऑफ जा सकती है 592,
लेकिन यहां क्वेश्चन पेपर का ही नहीं, दो फैक्टर यहां और काम करेंगे। एक फैक्टर यह है कि इसमें नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज कितनी हो रही है इस साल, तो इतनी ज्यादा तादाद में नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज नहीं हो रही है, हो रही है लेकिन काफी सारी नहीं है, मतलब काफी ज्यादा तादाद में सीटें इंक्रीज नहीं हो रही है जो कि कट ऑफ को इतना ज्यादा इफेक्ट कर देगी। नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयर ये जरूर इफेक्ट करेगा, क्योंकि पिछले साल से इस बार 2.5 से 2.75 लाख तक के स्टूडेंट ज्यादा हैं। तो मैं ये मानता हूं कि जहां ये 592 कट ऑफ जा रही है वहां इस फैक्टर को देखते हुए 595 जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ जा सकती है। 595 जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की कट ऑफ जा सकती है, ये मेरा मानना है। अब बाकी कैटेगरी की बात कर लेते हैं हम यहां पर, तो बाकी कैटेगरी का मैं आपको यहां बता दूं, इस सर्वे में मैंने एससी एसटी के स्टूडेंट को भी कंसीडर किया है, उनसे भी मैं मिला हूं, उनके पेपर का भी रिव्यू मैंने देखा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। पहले मैं बता देता हूं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनकी तीनों की समान सी कट ऑफ जाती है, वो 595 मैंने यहां आपको बता दिया। ईडब्ल्यूएस की हो सकता है 594, एक दो मार्क्स ईडब्ल्यूएस की कम जा सकती है यहां पर, लेकिन ओबीसी की रैंक में कम जाएगी लेकिन मार्क्स सेम रहेंगे। अब इसमें हम एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो 475 यहां कट ऑफ इनकी जा सकती है, और एसटी कैटेगरी की बात करें तो तकरीबन इसमें 20 मार्क्स का डिफरेंस रहता है, तो इसमें हम बात करेंगे यहां कि इनकी कट ऑफ 445 रह सकती है। अभी ये जो मैंने कट ऑफ प्रेडिक्ट की है ये सारा कोचिंगों के डाटा से एनालिसिस करके, स्टूडेंट से एनालिसिस करके, उनके पेपर का क्वेश्चन देख के कि कितने स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन किए हैं, तो इसमें मैंने काफी सारी मेहनत करके ये फाइनल कट ऑफ प्रेडिक्ट की है। मैंने जो इनिशियल कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी वो 600 की थी, लेकिन ये 600 से मैं अभी जो इनका पूरा एनालिसिस करके, डाटा एनालिसिस करके कट ऑफ बता रहा हूं वो कट ऑफ ये है। अब क्या है कि जो कट ऑफ प्रेडिक्ट की जाती है रिजल्ट से पहले वो बिल्कुल ही अनुमानित होती है, क्योंकि रैंक आई नहीं, रैंक में कितने स्टूडेंट ने कितना मार्क्स लिया होगा, वो जो आप ये न्यूज सुन रहे हैं वहां स्कैम हो गया वहां उसको, तो ये सारी चीजें इन इस कट ऑफ को इफेक्ट जरूर करती है। तो इसमें मैं यहां पर एक चीज और कंसिडर करूंगा, वो चीज यहां पर ये है कि जो कट ऑफ है ये, इस कट ऑफ में प्लस माइनस फाइव मार्क्स, इसका मतलब ये है कि जो अब की बार या पिछली बार भी जो सेक्शन बी लागू हुआ है उससे इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकता है, इतना ज्यादा आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई स्टूडेंट के लिए कोई क्वेश्चन इजी है उसमें वो इजी वाला अटेम्प्ट कर दिया, किसी स्टूडेंट के लिए जो सेक्शन बी के अंदर 10 क्वेश्चन करने हैं उसका इतना ज्यादा अनुमान नहीं लगा पाते हैं, इसलिए हम यहां प्लस माइनस फाइव मार्क्स यहां मान रहे हैं। इसमें 600 भी जा सकती है, 590 भी जा सकती है, लेकिन मैं मान रहा हूं कि 595 जाने की पॉसिबिलिटी है। इसमें भी हम प्लस माइनस फाइव करेंगे और इसमें भी हम प्लस माइनस फाइव करेंगे। तो ये है पूरा कट ऑफ का एनालिसिस जो पूरा डाटा निकालने के बाद में मैंने तैयार की। पहले मैंने आपको इनिशियल कट ऑफ बताई थी, तो कट ऑफ इस बार डाउन जरूर जाएगी, 21 से अप तो नहीं जाएगी, 21 से डाउन ही रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। और ये जो मैंने प्रेडिक्शन किया है ये पूरे कैलकुलेशन के साथ, बहुत मेहनत के साथ में किया है। अभी नेक्स्ट में प्राइवेट की जो 50% सीटें हैं वो क्या इस बार 50% वाला रूल लागू होगा या नहीं होगा, उसके बारे में जल्द वीडियो लेके आऊंगा, और अगर लागू होता है तो कितनी कट ऑफ जा सकती है उसके बारे में बताऊंगा। मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।